12 वर्षीय लड़की का अपहरण करके 25 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार करके लड़की को सकुशल बरामद किया गया। गुरुग्राम में इसकी 12 वर्षीय लड़की का अपहरण हो गया और अपहरणकर्ता द्वारा व्हाट्सएप पर मैसेज करके 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। इस शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर 10 ए गुरुग्राम में अभियोग अंकित किया गया है। अपहरण का मामला सामने आया था, क्या था पूरा मामला सर, और अभी तक इसमें इन्वेस्टिगेशन बाद क्या कुछ सामने आया था? ऐसा ये सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में शिकायत आई थी, जो संजय कुमार शर्मा है उसने शिकायत दी थी कि उसकी बेटी घर से गायब होगी और उसको मैसेज आया है जिसमें 25 लाख रुपए मांगे गए थे उससे, और जो स्टेशन पे गुड़गांव स्टेशन पे रखने के लिए बैग में बोला गया था, और बच्ची अगर पैसे नहीं दिए गए तो बच्ची की हत्या करने बारे भी उसमें धमकी दी गई थी, और जिसमें पुलिस को इन्फॉर्म किया तो फिर बच्ची को मार दिया जाएगा, इस तरह की बातें उसमें मैसेज जो उसको किया गया था, जिसमें पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जो अपनी रैंचम में हमने एफआईआर दर्ज करी थी, बच्ची भी जो 12 साल की है करीब, और इसलिए जो हमने 363 ए में एफआईआर लॉन्च करी थी और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करी। हमारे ऑफिसर हैं, सीपी मैम हैं, डीसीपी साहब हैं, उनको बताया तो सारी टीमें फिर गठित की गई उन्होंने, तो इसमें करीब 5 टीमें गठित की गई थी, उसमें एसीपी क्राइम भी थे, सीएजी सेक्टर 10 इंस्पेक्टर अरविंद थे, अमित थे, एसएचओ जो सेक्टर 10 हैं अरविंद वो भी थे, इंस्पेक्टर आनंद सीएए 31 इंचार्ज वो भी थे, एसीपी साहब क्राइम सुखबीर जी थे, तो मैं भी इसी टीम में था। तो हमने टीम फिर क्या कुछ कोई कार्रवाई रही सर, पूरी टीम जो लगाई गई थी तो कौन गिरफ्तार किया गया, क्या बैकग्राउंड है उसका? इसमें ऐसा है जी, जो हमारी टीमें गठित होने के बाद जो हमारी लोकेशन ली गई, फुटेज भी आई है, उस पर भी कार्रवाई की गई, जिसमें कोई गाड़ी नंबर आया तो गाड़ी की लोकेशन भी ली गई जो हमने यूज किया, उसके हिसाब से इसका पता चला, जो सस्पेक्ट में दिखा, जो बच्ची को बाहर से लेके गया है, जो इसका मामा निकला, इसका सगा मामा है वो, उसका नाम धीरज है, 25 साल उसकी उम्र है, तो उसको हमने जो ट्रैक किया उस पर, तो गाड़ी पे फिर लोकेशन पे गए तो उसको फिर वहां से काबू किया रात को। तो सर जो बताया जा रहा है धीरज जो है, ये क्या सर पहले भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, और इसमें किडनैपिंग की इस वारदात को अंजाम क्यों दिया? देखो क्रिमिनल बैकग्राउंड का अभी तो जैसे कुछ कहना, क्योंकि एक बार चेक करा जाएगा उसमें क्या क्या इसका है, हो सकता है हो भी, हो सकता है नहीं भी, क्योंकि ये यंग एज का है और उसको जो भी इसमें पैसों की जो आया है, अभी रिमांड पे लिया गया है इसको हमने, और क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, होगा तो जरूर एड ऑन किया जाएगा उसको। इसमें रंजिश तो नहीं कह सकते, इसमें मंशा ही है जो पैसों की, क्योंकि 25 लाख रुपए इसको चाहिए थे, तो यहीं पे किराए पे रह रहा था ये दिल्ली में, या इसमें अपने फ्रेंड के जैसे रूम पे इसको लेके गया बच्ची को, तो इसको पैसों की ये थी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, क्योंकि इसके जो पेरेंट्स हैं वो रिटायर्ड हैं और इसको पैसे की जैसे मंथली जो भी इसको इसके फादर या मदर जो दे रहे थे वो कम पड़ रहे थे इसको, जो कि इसको अच्छी लाइफ चाहिए थी और घूमने के लिए या कुछ काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। सर क्या इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ ऐसा सामने खुलासा हुआ है कि ठीक है इसको जरूरत थी, या कहते जरूरत के हिसाब से इसमें आगे क्या कुछ करना था? तो कई बार होता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ कई लोग साथ में जुड़ भी जाते हैं, क्या इसने अकेले में किडनैपिंग की थी, इसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे? जी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इसका अकेले का ही पार्ट आया है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है, जारी है, जो भी अगर कोई ऐसी नई बात आई नहीं है फिलहाल, आएगी तो उसको एड ऑन किया जाएगा। अभी सवाल ये कि अब बच्ची को क्या रिकवर कर लिया गया है, बच्ची ठीक ठाक है, माँ बाप के पास पहुँचा दी गई है? हाँ बच्ची ठीक ठाक है और माँ बाप के पास पहुँचा दी गई है, उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करा दी है हमने कोर्ट में, और बच्ची को फाजिलपुर है ये गुड़गांव में सोना रोड के पास, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया। मतलब अच्छा जी, मैसेज जो हमारे पास करीब 7:15 के आसपास आया था शाम को, क्योंकि उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो 8 बजे के करीब एफआईआर दर्ज हुई और फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन जो भी टीमें पहुंची, सीआईए होगी, मैं हो गया या एसीपी साहब क्राइम थे, अपना सारी टीमें ऑफिसर्स ने फिर गठित की, फिर सारा काम जो
सभी टीमों का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था और ये जाके ये करीब हमने इसको 10:30 बजे के आसपास हमने कर लिया था, मतलब 4 घंटे 3-4-5 घंटे 4 घंटे।